ये बताइएगा कि हदीस रसूल रसुल्लासम दीन का तनहा माखज़ हैं आप सम के इरशादत ज़ाहरी बात है जो कुरान सुन्नत में दीन बयान हुआ है उसी की तफीम तबीन है रिवायत के अंदर मेरे सामने एक रिवायत मौजूद है ये रिवायत अब्दुल्ल बिन मसूद से भी है जाबिर बिन अब्दुल्ला से भी है इसी तरह वाहब बिन वाहब रजील तनों से भी है बहुत सारी हदीस की किताबों में ये रिवायत आई है सरी अल्फाज हैं अगरचे वाक़ा एक ही है जब मैंने इसका इस्तार किया एक ही वाक़ा है जिसको मुख्तलिफ साहबा बयान कर रहे हैं लेकिन सरी अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल ने उन लोगों पर जो सूत खाते हैं जो सूद देते हैं जो सूत लिखते हैं और जो उस मामले के गवाह होते हैं हम सवा उन वो सब बराबर हैं उन पर लानत फरमाई है तो इस हदीस में जब इतनी सराहद से बात आ गई तो फिर अब सूद देने वाले के बारे में आपकी राय तो गलत हो जाती है मैं वहाँ से फिर बात शुरू करूँगा कि कुरान मजीद को हमने देख लिया कुरान मजीद कहाँ से बात कर रहा है किस असूल पर कर रहा है किस चीज़ को ममनू करार दे रहा है क्यों ममनू करार दे रहा है इसका हमने तफसीली जायज़ा ले लिया मैंने ये बात भी अर्ज़ कर दी कि आप कुरान मजीद के उन तीनों मकाम को देख लीजिए सूर्य रूम को सूर کو, को जहाँ बिलजमाल ज़िक्र है और फिर सूर्य बकरा को जहाँ तफसील के साथ कुरान ने इसको मौजू बनाया है हर जगह यूँ नहीं है कि देने वाला जेर बहस नहीं देने वाला मौजूद है देने वाले का तस्करा हो रहा है देने वाले के बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं लेकिन ना मजम्मत का कोई जुमला ना कोई तंबी, ना उसको बाज रहने के लिए कोई तलकिन इसका कोई शाइबा भी आपको कहीं नज़र नहीं आता बल्कि उसकी हमदर्दी के कलिमात हैं यानी ये बात कि इस पर म होगा कि इसने कर्ज़ लिया था तो कोई शख्स उस कर्ज पर इससे मनफ़ का मुतालबा करे लोगों को तलकिन के मनफ़ का मुतालबा छोड़ दो जो सूद इससे पहले ले चुके ले चुके जो बाकी रह गया है उसका मुतालबा न करो उन लोगों को आखिरी दर्जे की तंबी जो सूद लेने पर इसरार कर रहे थे कि बाज़ नहीं आओगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हकूमत है हकूमत इलािया है इसमें अगर इस तरीके से तुम सूद लेने पर इसरार करोगे तो ये अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ लड़ाई करने के मुतार होगा लिहाजा तुम्हारे खिलाफ़ जंगी कार्रवाई हो सकती है ये तमाम बातें हमने समझ ली जान ली और इसमें किसी दर्जे में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना किसी आलिम ने कभी पेश करने की जसारत की है कि कुरान की फ़लां आयत कुरान का फ़लाँ मकाम इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है कि सूद देने वाला मुजरम है या उसने किसी गुनाह का इरतक किया है ये बात पूरी तरह वाज हो गई कुरान मजीद की हद तक आप हदीस पर आइए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हदीस के पूरे ज़खीरे में जब आप देखते हैं कि ये एक वाक्य बयान हुआ है मैंने जब यह लिखा था अपनी किताब मकामात में कि एक हदीस से अलबत् लोगों ने इस्तेलाल किया है तो एक हदीस का मतलब क्या है यानी एक मजमून की हदीस ये तीन चार सहाबा से है उन्होंने एक ही मौके पर रसालत रिसालत मब्सम की एक गुफ्तु को रवायत किया है ये बात तो आप मानते हैं ना कि इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं है हदीस के ख़ीरे में भी कुछ यानी अगर हदीस के ख़ीरे में कोई और चीज़ है तो ज़रूर सामने ले आइए हदीस के ख़ीरे में यही एक मौका है जिसमें इस मौजू पर गुफ्तु हुई है जिसमें रसालत रिसालत मबल्लम ने एक बात कही है उस बात को तीन या चार सहाबा ने आगे रवायत कर दिया है एक ही मौका है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लम ने गुफ्तु की है इसमें कुछ चीज़ें सूद लेने वालों के अलावा भी मौजूद बहस हैं इतनी बात वाजे है लेकिन जो बात आप फरमा रहे हैं कि इसमें सूद देने वाले के बारे में कुछ कहा गया है मैं ये कहता हूँ यहाँ भी कुछ नहीं कहा गया यानी जिस तरह से क़ुरान मजीद उसके जिक्र से ख़ाली है ये हदीस भी उसके जिक्र से खाली है हमारे यहाँ बारह ऐसा होता है कि सुए फहम की वजह से हम किसी चीज़ को मुतिन कर लेते हैं और फिर ख्याल करते हैं कि ये तो वहाँ लिखी हुई है अच्छा क़ुरान मजीद से मुतलक भी इस तरह की बातें बाज़त हो जाती हैं उनकी हकीकत बताने की ज़रूरत होती है हदीसों में भी ऐसा हो जाता है ताहम हदीस पर गुतु से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि हदीस का मकाम क्या होता है यानी जब क़ुर मजीद किसी चीज़ को बयान कर देता है तो कुरान मजीद ने जो फ्रेम तय कर दिया होता है रसालत में उससे कभी तजावज़ नहीं फ़रमाते उसके अंदर गुफ्तु करते हैं और जब वो गुफ्तु करते हैं तो कोई सुनने वाला उसको बयान कर देता है चनाचे जो कुछ भी रवायतों में बयान होगा उससे मतलब मैं बड़ी तफसील से गुफ्तु कर चुका हूँ इससे पहले और अपनी किताबों में इसको वाजे कर चुका हूँ कि वह तफीम तवीिन होगी वह सीरत व होगी वो रसालत मब हसना का बयान होगा ये सब चीज़ें हमें हदीसों ही से मिलती हैं ये दर हकीकत रसालत मब सल्लम केम्लम का तारीख़ी रिकॉर्ड है यानी नबी की हैसियत से आपने कुरान दिया नबी की हैसियत से आपने सुनत दी वह हम तक पहुँच गई लेकिन उसके साथ ज़ाहिर है कि आपने दीन के एक जैद आलिम की हैसियत से पहले आम की हैसियत से जिसका बेखता इल्म है जिसके इल्म के पीछे अल्लाह ताला की तइद व तस्वीब है उस हैसियत से कुछ गुफ्तुएँ की हैं वो गुफ्तुएँ खुतबात जुमा में की हैं लोगों के सवालों के जवाब में की हैं कोई तमबीह करते वक्त की हैं किसी इतलाक़ को वाज़ करते वक्त की हैं वो गुफ्तुएँ हैं जो हमारे यहाँ हदीस की सूरत में पहुँचती हैं ये गोया हमारे लिए वो ज़खीरा है जिससे हम ये जान सकते हैं कि रसालत माँ अलैहि वसल्लम ने क़ुरान मजीद के फहम में या सुन्नत के फहम में लोगों की क्या रहनुमाई फरमाई है या उस पर अमल का क्या नमूना पेश किया है तो जो हदीस आपने बयान फरमाई है मैं उसकी तहलील करके आपको बताता हूँ कि उसमें भी दर हकीकत ऐसा कोई ज़िक्र नहीं अच्छा। महज एक गलत फहमी है जिसको लोगों ने असूल ही नहीं बल्कि एक कतई हुक्म बना के पेश करना शुरू कर दिया तो आप हदीस को देख लीजिए ये हदीस पूरी की पूरी इमाम मुस्लिम ने बयान कर दी जिस तरह के आपने जिक्र किया मुख्तलिफ जगहों पर बयान हुई है और कहीं इसका कोई एक टुकड़ा नकल हो गया है कहीं दूसरा टुकड़ा नकल हो गया है यहाँ पूरी आ गई है और ये देखिए क्या है ये यह है लाना रसूल सल्ला वसम आक़िल रबा व मूकिल हो व कातब हूँ व शाहिद है वाला हम सबा ये उसके अल्फाज हैं अब ये देखिए कि इसमें सूद लेने वाले के अलावा कुछ लोगों का जिक्र हुआ है क्यों ज़िक्र हुआ है इनका इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि सूद का कारोबार होता कैसे देखिए एक चीज़ ये है कि मेरा एक भाई मेरे पास आया उसने आकर मुझसे कर्ज़ मांगा हम इस पे गुफग कर चुके हैं कि इस्लामी अखलाकियात में कर्ज का कामल है नेकी का अमल है खैर का अमल है इस पर मनफत का मुतालबा नहीं किया जा सकता मेरा भाई मेरे पास आया उसने मुतालबा किया और मैंने उससे कहा कि मैं तो इसके ऊपर खुदा नखास्ता सूद दूंगा ये एक इनफ़रादी मामला है लेकिन जिस वक्त सूद एक कारोबार की सूरत इख्तियार करता है जिसको आप महाजन का कारोबार कहते हैं तो उसके कुछ लवाज़ि हैं वो जब भी इख्तियार करेगा ये लाजमन होगा ऐसा होता था कि बहुत से लोग जिनके पास वाफर सरमाया है वो साहूकार की हैसियत से अपनी दुकान खोल लेते थे यानी उनका गोया सूदी कारोबार के लिए एक मरकज कायम हो गया नेटवर्क बनता था एक नेटवर्क बनता था एक मरकज़ कायम हो गया आप दौरे जदीद में बैंक से इसको समझ सकते हैं यानी बैंक में यूँ नहीं होता कि कोई एक फ़र्द है जिसके आप घर जाते हैं और उससे मामला करके आ जाते हैं बैंक एक इदारा है तो इसी तरह महाजनी सूद जब सोसाइटी में राइज हुआ और उसने एक कारोबार की सूरत इख्तियार की तो वो भी एक इदारे की सूरत में वजूद पजीर हुआ उस इदारे के मैंने अर्ज़ किया कुछ लवाज़म है वो शख्स जो सूद का कारोबार करता है वो महज किसी कर्ज़ के लिए आने वाले का इंतज़ार नहीं करेगा वो तो चाहता है कि उसके पास रुपया मौजूद है ये रुपया कारोबार में लगे लोग उसके पास आए दो बातों का फ़र्क समझ लीजिए पहले यानी मेरे पास कुछ रुपया है मेरा कोई कारोबार करने का इरादा नहीं मेरे पास मेरा एक भाई आया उसने मुझसे आके कर्ज़ मांगा ये इनफरादी मामला है ये तो ऐसे ही होगा कि मैं या उसको कर्ज़ वैसे दे दूँगा और या अगर मेरी बदकस्मती है तो मैं उससे मुतालबा कर डालूंगा कि मुझे आप इसके ऊपर मनफत देंगे है कि इसको बता दिया गया कि यह अमल जायज़ नहीं है लेकिन जिस वक्त आप उसको बाकायदा कारोबार की हैसियत देंगे तो अब यूं नहीं है कि कोई आएगा कर्ज लेने के लिए तो बात होगी अब तो कर्ज लेने वाले ढूंढने उनको तलाश करना है उनको तरगीब देनी है कि वो कर्ज लेने के लिए आए जिस वक्त आप एक कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका गाहक आना चाहिए एक महाजन के लिए कर्ज़ लेने वाला उसके इस अमल में गाहक की हैसियत रखता है वो कस्टमर है तो उस कस्टमर को तलाश करने के लिए लोग चाहिए होते हैं यानी ऐसे लोग के जो लोगों से रबता करें ज़रूरतमंद लोगों को तोज्जो दिलाएं उनसे कहें कि आपको बहुत अच्छी सूरत में ये कर्ज़ मिल सकता है इस पर इतनी शरा होगी इसमें यह सहूलत होगी ये सब काम करेंगे ना वो इसी तरीके से जिस वक्त आप कर्ज दे देंगे तो आप कर्ज की किस्तों वसूल करनी है यानी कुछ लोग होंगे कि जो जाके वसूल किया करेंगे कोई आदमी जब कर्ज लेता है और महाजनी कर्ज लेता है तो वो सूद की किस्त अदा करेगा यह भी हो सकता है कि कर्ज की को किस्त अदा करे यानी दोनों शक्लें हो सकती हैं कर्ज एक ही वक्त पे अदा किया जाएगा या ये है कि बेलकसा अदा कर दिया जाएगा लेकिन सूद तो आपको देना है ना माँ बमा आपको सूद देना है हफ्तावार सूद भी होता था अच्छा रोज का सूद भी होता था अच्छा। महाजनी सूद बाज़ात इस कदर तलख सूरत इख्तियार कर लेता था इसके लिए मैंने अर्ज किया कि दोनों काम करने पड़ते थे यानी वो लोग हों आपके पास आपके कारिंदों की सूरत में आपके कारकुनों की सूरत में जो आपके लिए असामी ढूंढे तो आसामी ढूंढना होता है यानी कौन आदमी है कि जो आपसे कर्ज़ लेगा कोई बाजार में होगा कोई गरीब आदमी होगा किसी ने रेड़ी लगानी होगी किसी की जाति ज़रूरत होगी किसी की बेटी की शादी होनी है तो उन लोगों को ढूंढने के लिए लोग चाहिए होते हैं फिर उनसे बिलक सात रुपया वसूल करने के लिए लोग चाहिए होते हैं लोग गरीब भी होते हैं अमीर भी होते हैं गौरबा बाजात अकसात देने में भी आ जाते हैं उनको कुछ डराना धमकाना भी होता है जाके मैंने इस कारोबार को अपनी आँखों से पंजाब के बाद इलाकों में भी देखा अच्छा। और शायद आपको याद हो कि जब हम मलेशिया में थे तो जिस इलाके में हमारा क्याम था वहाँ चीनी लोग ये कारोबार बहुत करते थे ये सब चीज़ें नागजीर हैं यानी ये कारोबार उसके बगैर हो ही नहीं सकता तो ये जो असामी तलाश करने वाले लोग हैं ये जो जाके गाहक ढूंढने वाले लोग हैं इसके बग़ैर महाजनी कारोबार नहीं हो सकता फिर उसके बाद वो आदमी आपके पास आ गया कर्ज़ लेने के लिए तो इसको एक बाकायदा दस्तावेज़ की सूरत देनी लिखा जाएगा ना कि इतना कर्ज़ लिया इसके लिए कोई तहरीर होगी वो तहरीर लिखने वाले लोग भी होंगे मुंशी कहें उनको मुनीम कहें उनको ये मुख्तल्फ़ असलाहत रही हैं लिखने वाले लोग चाहिए ये मुलाजिम होते थे उनके यहाँ अच्छा यानी वो लोग मौजूद हैं वरना उस वक्त ढूंढेंगे आप क्या दस्तावेज लिखनी है उसकी ज़ुबान क्या होगी कहाँ से बात शुरू होगी कहाँ तक जाएगी इसी तरीके से हर दस्तावेज़ के लिए गवाह चाहिए होते वरना तो दस्तावेज़ कागज़ का पुर्जा है तो उसके लिए गवाह भी चाहिए वो गवाह भी वहाँ पर मौजूद होते थे अच्छा अभी पिछले दिनों आपको याद होगा हमें एक दस्तावेज लिखवानी थी हम यहाँ एक वकील के पास गए आपके इलम में है कि वहाँ वकील के पास वो गवाह मौजूद थे जो अब उस दस्तावेज़ के गवाह और वो वकील कितने अरेंज किए हुए थे वो वकील ही के पास मौजूद थे इसी तरह से अब आप आ जाइए दौरे जदीद में जब बैंक के इदारे ने यह कारोबार शुरू किया वैसे तो अब बैंक का इारा बहुत वसत अख्तियार कर चुका उस पर हम अलग से गुफ्तु करेंगे लेकिन जब उसने ये कारोबार शुरू किया तो आप देखें ये सारी चीज़ें वहाँ हुई कामयाब तरीन बंकार वो लोग होते हैं कि जो ज्यादा से ज़्यादा गाहक तलाश कर लें सूदी कारोबार में कस्टमर या गाहक कौन है सूद लेने वाला वो उन लोगों को तलाश करते हैं एक लतीफ़ा है और वो ये है कि आम तौर पर आप किसी के पास जाएं और आप जाकर कहें करके मुझे दस रुपये कर्ज चाहिए दस रुपये क्या चीज़ है दे देता हूँ ऐसी क्या बात है अच्छा आप उसके पास जाएं और जाकर कहें मुझे दस हज़ार डॉलर कर्ज़ चाहिए तो हर एक बड़ी रकम हो गई अब जब बड़ी रकम हो गई तो वो गुरेज करेगा कि मैं क्यों कर्ज़ दूँ तो किसी ने लिखा था कि एक बैंक के मैनेजर के पास एक टेलीफोन आया और किसी साहिब ने कहा कि मुझे दस हज़ार डॉलर कर्ज़ चाहिए तो ने कहा आ जाइएगा कि किसी वक्त दे, दे देंगे हम आपको किसी दूसरे ने कहा तो उनका तो मुझे दस मिलियन कर्ज़ चाहिए तो ने कहा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ हम आ रहे हैं आपके पास इसलिए कि वो आपका गाहक है जितना ज़्यादा कर्ज लेगा या जितने ज़्यादा लोग कर्ज लेंगे आपका उतना ही कारोबार बढ़ेगा इस मकसद के लिए हर मैनेजर जो बैंक का है उसकी असल कार्यक्षमता क्या होती है वो कितने बड़े पैमाने पर मार्केट से गाहक तलाश करता है अच्छा इसी तरह बैंकों को तो अब एक तरह का सरकारी तहफ़ हासिल है और उनके यहाँ पुलिस मौजूद होती है उनको इसकी ज़रूरत नहीं है वो ज़ाहिर की अदालतों से रजू कर सकते हैं उनको हकूमतों का तहफ़ भी हासिल होता है महाजन को ये तहफ़ हासिल नहीं होता था तो इस वजह से ये लोग जो गाहक ढूंढते थे इनके साथ बाज़ और लोग भी होते थे और मैंने मलेशिया में देखा कि वो बाकायदा कुछ गुंडे किस्म के लोग होते हैं जो आपके घर के दरवाज़े पर दस्तक दे सकें आपको धमकी दे सकें आपको मजबूर कर दें आपको ये कहें कि ऐसा नहीं करोगे तो हम ये करेंगे वाक्यात होते थे वहाँ बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट होते थे जिसमें बताया जाता है किसी के घर के बाहर गंदगी फेंक दी किसी आदमी को रास्ते में तंग किया किसी के बच्चे को धमकी दी ये वो लोग थे कि जो कर्ज़ अदा नहीं कर पाते थे फिर याद होगा कि खुदकुशी के वाक़त हो जाते थे तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मौजूदा बंकारी में भी ये चीज़ मौजूद होती है अच्छा इसी तरह वहाँ अमला है जो बाकायदा तहरीर करता है वो क्या करता है वो कागजात हैं बने हुए उन पर आपके दस्तखत लेगा वहाँ बाकायदा आप कोई एहतनामा करेंगे फिर वो कागजात आपको दिए जाएंगे उनकी नकूल उनके पास मौजूद होंगी तो लिखने वालों का भी या यूँ समझ लीजिए रिकॉर्ड रखने वालों का भी एक पूरा दस्ता मौजूद है वो अमला भी आपके लिए नागज़ीर है इसी तरीके से उस पर गवाह बनाए जाएंगे तो ये जितना भी महाजनी सूद का इदारा है वो ये लाजमी चीज़ें रखता है अब इसमें आप गौर कीजिए कि क्या लोग हुए यानी वो आदमी जो साहूकार है जिसका सरमाया है जिसका सरमाया सूद पर चलाया जा रहा है एक तो वो हो गया यानी मौजूदा ज़माने में जाहिर है कि बैंक के ज़िम्मेदार वो लोग होते हैं जिनके सरमाए पर बैंक चल रहा होता है जी। तो वहाँ क्या है वहाँ महाजन है एक है दो हैं जिन्होंने ये कारोबार शुरू कर रखा हुआ है वो लोग हैं ये कौन हुए सूद खाने वाले अच्छा वो लोग के जो असामी ढूंढ रहे हैं जो जाते हैं गाहक तलाश करते हैं जो उसके बाद किस्तें वसूल करने के लिए जाते हैं ये कौन है सूद खिलाने वाले अच्छा।, अच्छा अच्छा अब उसके बाद जब सूद की दस्तावेज लिखनी है तो कौन लोग जेर बैस आएंगे वो जो लिखने का फन जानते हैं मुंशी हैं वहाँ बैठे हुए हैं उनका काम यही है मौजूदा ज़माने में तो आपने उसकी तहरीरें बाकायदा वजह कर ली हैं वो तहरीरें भी कभी आपने देखी होंगी आप बैंक के साथ कोई मामला करें बीस बीस सफ़ों के होते हैं यानी वो बाकायदा कानूनी चीज़ों का लिहाज रख के तहरीरें मनाई जाती हैं तो इस निज़ाम में भी ये ज़रूरत है उस निज़ाम में भी ये ज़रूरत होती थी इसी तरह गवाह उसके ऊपर लाए जाएंगे। अब जब आप कारोबार कर रहे हैं महाजिनी सूद का कारोबार कर रहे हैं उस ज़माने में कर रहे हैं जो रिसालत मब सल व्म कादादत है और क़ुरान मजीद ने यह कह दिया कि इस पर पाबंदी लगा दी गई है तो मुझे ये बताइए कि उसमें वो लोग के जो सूद का कारोबार कर रहे हैं वो लोग जो उनके लिए असामिल ढूंढ रहे हैं वो जो उनके दफ्तरों में बैठ कर दस्तावेज़ात लिख रहे हैं उन सब को बराबर करार दिया जाएगा या नहीं करार दिया जाएगा तो रिसालत मसम ने एक हदीस में ये फरमाया है इसमें लफ्स इस्तेमाल हुआ है मुकिल सूद खिलाने वाला बजाय इसके कि सूदी कारोबार महाजन के दफ्तर को समझ कर ये देखा जाता कि उसमें लोग क्या हैं बस सादगी से यह ख्याल कर लिया गया कि मोकिल का मतलब है वो आदमी जो कर्ज़ लेने के लिए गया है वो ना उसके साथ ताउन कर रहा है ना उसका मददगार है ना उसका कारोबार चला रहा है वो तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए गया है वो जाती जरूरत भी हो सकती है वो कारोबारी जरूरत भी हो सकती है वो कर्ज लेने गया है वो महाजन का आदमी नहीं है कि उसके बारे में यह कहा जाएगा ये सब बराबर है महाजन के आदमी कौन से हैं मौजूदा जमाने में समझ लीजिए यानी बैंकार ने जो बैंक कायम किया है उसका अमला कौन सा है उस अमले में कोई कैशियर होगा कोई चीज़ों को लिखने वाला होगा कोई उसके लिए लोग ढूंढने वाला होगा ये पचास पचास लोगों का अमला मौजूद होता है ना एक बैंक को चलाने के लिए एक एक ब्रांच में तो उस वक्त भी महाजन का दफ्तर जो वजूद में आता था उसमें जो अमला हुआ करता था रसूल वसलम ने उस पूरे अमले के बारे में ये बात बयान की है अच्छा अच्छा इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि बारह ऐसा होता है कि सूए फ़हम से हम एक चीज़ का इतलाक़ कर देते हैं और ख़्याल करते हैं कि ये तो अल्लाह रसूल ने फरमाया है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि ना कुर मजीद में सूद देने वाले का कोई जिक्र है और ना हदीस में सूद देने वाले का कोई जिक्र है मुकिल का लफ्ज़ उस बाम में इस्तेमाल ही नहीं हुआ जिस बा में लोगों ने इसको समझा है वरना मुझे ये बताइए कि अगर आदमी ये जानता हो कि सूद कैसे होता है इसका कारोबार कैसे बनता है महाजन काम कैसे करते हैं तो वो उस मोकिल को तलाश नहीं कर सकता कि जो आसामी ढूंढने के लिए जा रहा है हुँ, हुँ. कौन सा बैंक है जो बैंक मैनेजर के बगैर चलेगा जो उस हमले के बगैर चलेगा कि जो मार्केट में लोगों को तलाश करता है कि वो बड़े बड़े लोग यहाँ अपना अकाउंट खोलें अकाउंट खोलने का अमल ही है ना जिसके बाद वो कारोबार शुरू होता है तो यही सूरत हाल महाजिनी सूद की थी रसालत ने उसका जिक्र किया है इसलिए मैं जिस तरह इससे पहले ये बात वाजे कर चुका कि कुरान मजीद सूद देने वाले के जिक्र से खाली है इसी तरह अब यह कह रहा हूँ कि हदीस भी सूद देने वाले के जिक्र से बिल्कुल ख़ाली ठीक हम सब बहुत बहुत तफसील से आपने माशाला बताया जो आपका नुक़ः नज़र है और समझाया कि सूत का ये जो कारोबार है ये होता कैसे और रिवायत के अंदर जो बात जेर बहस है कुछ जमनी सवालत में मज़ीद आपके सामने रखता हूँ तो खुलासा जो आपकी गुफ्तु का हुआ कि ये जो मोकिल का लफ्ज़ आया है जिसको आम तौर पर जिसका बयान ये किया जाता है कि सूद देने वाला इससे मुराद है और सूद लेने वाले को आकल औरबा कह दिया मैं थोड़ी सी बहस लफ्स के लिहाज से करना चाहता हूँ आपका जो पूरा पैराडाइम और पूरी जो आप आमतौर पर अपनी फ़िक्र पेश करते हैं उसमें लफ्स और जुमले की तारीफ़ और ये सब बातें ये जो लफ्ज़ है मूकिल ये बना किस मादे से है इसका माना क्या होता है और यहाँ पर अगर इसका इसकी जो मुराद आपने पूरे पस मंज़र में बताई कि जी वो तो कारोबार को सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं एजेंट हैं जो असामियाँ लेकर आ रहे हैं तो ये दोनों मानी इसमें पाए जाते थे देने वाले के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था एजेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था यहाँ आपने एक मानी को तरजीह दी है और तरजीह की वजह लफ्ज़ या कलाम के अंदर क्या है नहीं मेरे नज़दीक तो एक ही मानी है इसकी यानी मानी क्या मसदाक है देखिए मानी तो है खिलाने वाला खिलाने वाला कौन होता है महाजिरी कारोबार में खिलाने वाले लोग ही वही होते हैं वो ना हो तो ये कारोबार चल ही नहीं सकता असल में वो हैं जो आसामी ढूंढ रहे हैं भाई मेरे लिए जो गाहक ढूंढ के लाएगा वो मेरी दुकान चलाने वाला है या गाहक मेरी दुकान चलाने वाला है लेकिन कुछ मेरी दुकान का कारोबार जो लोग चला रहे हैं वो गाहक तलाश करने वाले लोग हैं मेरा हिसाब रखने वाले लोग हैं वो मेरे साथी हैं यानी ये सूद खाने वाले के साथी हैं जो जेरे बैस है कातिब कौन है वो जो उसके यहाँ बैठा हुआ लिख रहा है ठीक ठीक शाहिद कौन है जिसका जिक्र हदीस में है आप हदीस के अल्फाज पढ़ लीजिए ना क्या है अल्फाज फरमाया लाना रसुल्ल व रसोल्ल सल्ला ने लानत फरमाई किस पर आकल रिबा रिबा खाने वाले पर सूद खाने वाले पर व वा मुँह के लहू और खिलाने वाले पर व वा का बहू और लिखने वाले पर वह वा शाहिद है, है और उसके दोनों गवाहों पर काला बहुम सवा ये सब के सब सूद खार के साथी सब के सब उसके यहाँ काम करने वाले हैं सब के सब उसके बाजू हैं सब के सब उसके हैं मैंने मिसाल दे के आपको बताया कि जिस तरीके से बैंक का अमला है उसी तरीके से महाजनी सूद के लिए भी ये अमला नागुजर होता है इसमें वो बोकिल है खिलाने वाला जो अल्फाज है वो देने वाले के तो हदीस में है ही नहीं खिलाने वाले खिलाने वाले के अल्फाज है ये अब हमें तय करना है अपनी बसीरत से अपने फहम से अपने तजर्बे से हालात में देख कर कि खिलाने वाला कौन होगा ये सादगी है कि आपने खिलाने वाला सूद देने वाले को समझ लिए वो सूद खिलाने वाले वो लोग हैं जो उस कारोबार को चला रहे हैं वो गाहक ढूंढ के लाते हैं और फिर वो सूद की रकम जमा करते हैं माँ बमा वही जाके आसामियों से वसूल करते हैं ये कारोबार चलता ही उनके बलबूते पर है मैंने पहले मिसाल दी आपको कि इनफरादी तौर पर मैंने किसी को कर्ज़ दे दिया और ख़ुदा न खास्तः अपनी बदकस्मती से उससे सूद का मुतालबा कर दिया ये इनफरादी मामला हैं लेकिन अरब में क्या सूरत हाल यही थी रिसालत मबलम ने इन्हीं लोगों को रोका था कुरान मजीद ने क्या किसी इन्फ़रादी तौर पर काम करने वाले को कहा था कि फ़जलम व रसूल ही अल्लाह और रसूल की तरफ से जंग का चैलेंज कबूल करो ये अल्टीमेटम किन लोगों को दिया गया था उन लोगों को दिया गया था जिनकी तरफ से शदीद मुजाहत का अंदेशा था जिनका कारोबार बन चुका हुआ था और महाजिनी सूद का कारोबार हर आदमी जिसने मीशत को कुछ समझा है वो जानता है कि दुनिया में हमेशा मौजूद रहा है ये अरब में भी मौजूद था मैंने आपको मिसाल दी कि इस वक्त भी चीनीों के यहाँ यह कारोबार आखिरी इंतहा पर होता है वो इस कारोबार को अपने कल्चर का हिस्सा समझते हैं हम जहाँ रहते थे वहाँ गिरदो पेश में इसके बहुत से दफातर मौजूद दुकानें बनी थी। ये जो दफातर हैं इन दफातर में काम करने वाले लोग असल में किसके माविन हैं किसके दस्तोबाज़ू हैं किसका कारोबार चला रहे हैं सूद खाने वाले का कारोबार चला रहे हैं तो आकिलबा कौन है सूद खाने वाला मूकिल्लबा कौन है खिलाने वाला कौन है उसका अमला वो लोग जो आसामी ढूंढते हैं वो जो जाके उसका सूद वसूल करते हैं ये दर हकीकत वो दफ्तर में बैठा हुआ है और सूद को लाला कर उसे खिला रहे हैं hmm. और उसके कातिब यानी जो लिखने वाले हैं और वो जो उस पर गवाही देने वाले हैं तो ये दर हकीकत वो अमला है मैंने आप से किया कि ये सादगी थी कि इसका मस्दाक सूद देने वाले को समझ लिया गया थी. तो इसलिए इसका सही मफहूम यह है अगर आप सूदी कारोबार को समझते हैं तो मेरी बात भी आपकी समझ में आ जाएगी ठीक एक और फिर यह जहन में रखिए कि किसी रवायत को समझते वक्त सबसे पहले देखना चाहिए कि अगर सूद देने वाले का कोई कसूर होता तो कुरने मजीद इशारा तो करता जिक्र तो करता कोई दो लफ्स तो कहता अच्छा कुछ भी ना कहता उसको रोक ही देता कि आइंदा तुम सूद नहीं दिया करोगे कहा कहीं कुरने मजीद ने तो इसका मतलब ये है कि सारा मामला किसका ज़ेर बहस है सूद खाने वाले का आकिल और रिबा अब आकिल और रिबा के माविन तो ऐसे ही जैसे चोर के मामीन होते हैं अगर चोरी एक जुर्म है तो कोई आदमी अगर चोर के लिए सीढ़ी अपने कंधे पर उठा के ले जा रहा है कि उसने जहाँ नकब लगानी है मैं वहाँ सीढ़ी लगा दूंगा और कोई आदमी अगर हाथ में लालटेन और दिया पकड़े हुए है या टार्च पकड़े हुए हैं और वो कहता है कि मैं रोशनी दिखा दूंगा तो ये सारे चोर के माविन हैं तो यहाँ हदीस में जो लोग ज़ेर बैस हैं वो सूद खाने वाले के माविन हैं और क़ुरान मजीद ने इस असूल को बयान किया है कि इसमोदान में ताउन करने वाला मुजरम है ठीक 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 इसम उदवान में ताउन करने वाला ताउन करने वाला कौन होता है जो उस गलत काम का दस्तोबाज़ू बनता है जो उसका हिस्सा बनता है जो उसका हिस्सा बन के उससे कुछ मफादात हासिल करता है तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ है जिसके लिए लफ्ज़ मुआविन का इतलाक होना चाहिए कुरान मजीद में इस हदीस की बुनियाद मौजूद है और ये बिल्कुल एक अकली बात है यानी किसी जगह भी कोई कारोबार मिसाल के तौर पर एक आदमी शराब का कारखाना लगाता है तो जो आदमी उसके लिए खाम माल ढूंढ के लाता है जो आदमी वहाँ पर जाके कुछ काम करता है शराब कशीद करने में को मदद करता है सारे मुजरिम होंगे ना ये दुनिया की हर जगह के ऊपर एक ही उसूल है तो रसालत में आब सम ने कोई नई बात नहीं फरमाई बल्कि वो अकली उसूल है जिसको बयान कर दिया है कि जब हम सूद को ममनू करार दे रहे हैं तो सूद के दफ़ातर बंद होने चाहिए और वो लोग जो सूदी कारोबार में मावन बन रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि उन पर ख़ुदा की लानत है और ये समझना चाहिए कि वो कौन लोग हैं तो वो सारे आपने गिनवा दिए बिल्कुल ठीक अब आप बताएँ क्या बाकी रह गया इस वक्त की जदीद बंकारी में भी अगर आप गौर करें तो आप इन्हीं तीनों उन्वानात के तहत बैंक के पूरे अमले को बयान कर सकते हैं रिसालत में आप सल्थ के बारे में ये कहा गया है ना कि आपने ख़ुद फरमाया कि उती तो तीतों कलम मुझको जाम तरीन बात कहने की सलाहियत दी गई तो अब जरा थोड़ी देर के लिए देखिए जैसे मैं देखता हूँ इस मामले को कि सूदी कारोबार ममनू करार दे दिया गया वो आउट ला है सूदी कारोबार के बारे में क़ुर मजीद ने कह दिया कि वज़रु मा बकिया मिनर्रवा कोई अब सूत का मुतालबा नहीं करेगा ये बता दिया कि अगर लोगों ने सरकशी दिखाई मुकाबले में खड़े होने की कोशिश की तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी उस वक्त जाहिर है कि अगर कोई जथा बना के सामने आ जाएगा तो उसके खिलाफ जंगी कार्रवाई करना होगी मौजूदा ज़माने की पुलिस और ये इदारे तो मौजूद नहीं थे तो कुरने मजीद ने कहा फजल बरबू मिनल्लाबर ही ये सूरत हाल जब सूर्य बकरा में सामने आ गई तो रिसालत में आप ने उसकी वजहत फ़रमाई और वजाहत फरमाई तो गोया सारे के सारे महाजन के दफ्तर के लोगों के बारे में ये बताया कि हम सवाह ये सब के सब बराबर है क्योंकि ये तो असल में उस दफ्तर को चलाने का बायस है ये उस कारोबार के ज़िंदा रहने का बायस है इनके बगैर कारोबार चल ही नहीं सकता ज़रूरतमंद लोग ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात है कि अच्छी बात है कि जिस घर में चोरी की जाएगी उसको भी मुजरिम करार दे दिया जाएगा जिसके साथ मिलावट की जाएगी वो लेने क्यों गया था सौदा सलभ बाज़ार से ये सोचने का क्या तरीका है तो तान कौन कर रहे हैं तावन वो कातिब कर रहा है जो वहाँ बैठा हुआ दस्तावेज़ लिख रहा है जिस तरह के आज वो बैंक में बैठा हुआ है ताउन वो लोग कर रहे हैं कि जो गाहक तलाश कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं कि जो महीने के महीने लोगों के पास से सूद की रकम वसूल करके लाते हैं और देखिए क्या खूबसूरत ताबीर रसालत मजल ने इख्तियार की मुँह के लहू यानी वो खा रहा है बैठा हुआ महाजन और ये खिलाने का काम कर ठीक तो यह दर हकीकत हदीस का मतलब है और ये कुरान मजीद की ईसायत पर मबनी है कि व तकवा ला तावनबरबा अला तावनसमदवान नेकी और तकवे के काम में ताउन किया जाता है बुराई और ज़्यादती के काम में हथकल्फी और जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कद्दी के कामों में तान नहीं किया जाता तो ये तो एक ऐसा उसूल है जो कुरान ने लफ्ज़ों में बयान कर दिया और यह बिल्कुल अकली उसूल है हर जगह इसका इतलाक़ होगा आप कहीं कोई कारोबार करें तो उस कारोबार में जो लोग शरीक होंगे अगर किसी जगह आपने कारखाना लगाया वहाँ मिलावट हो रही है तो क्या कारखाने का मालिक ही मुजरम है वो लोग जिनको पता है कि हम मिलावट कर रहे हैं जिनको मालूम है वहाँ वो काम कर रहे हैं जो उसका मैनेजर है जो वहाँ पर काम करने वाले कारकुने सारे मुजरम होंगे ना अच्छा अब आप फरमा रहे हैं कि नहीं जो आदमी वो ख़रीदने जा रहा था वो भी मुजरम है भाई वो तो ख़रीदार्त पे छा वो लेने के लिए गया था उसने तो कोई गलत काम नहीं किया तो सूद पर कर्ज़ लेने के लिए जो आदमी गया वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए गया वो कहाँ से माविन हो गया अगर आप उसको सूद के बगैर कर्ज़ देते तो वो फिर भी अपना ये अदाकारा तान पेश कर देता यानी अगर लोगों को उनकी ज़रूरिया के लिए कर्ज़ वैसे मिल जाए तो क्या आपका ख़्याल है कि वो जाएंगे फिर उसके बाद वो गया है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आज राय करम उसको हदफ़ ना बनाइए हदफ़ वो लोग हैं कि इस कारोबार को चला रहे हैं और वो आदमी है कि जो सूत खा रहा है तो ये है इस हदीस का सही मफोल